हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में नहीं भरे जा रहे हैं खाली पद, यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में उम्मीदवारों की संविदा पर चाहे परमानेंट वैकेंसी पर उम्मीदवारों की काफ़ी कमी है, जिसके लिए यहाँ पर जो है विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द जो है भर्तियों की यहाँ पर जो है नियुक्ति निकालनी चाहिए। पर दोस्तों, भर्तियों की नियुक्ति ना निकाल कर यहाँ पर जो है कुछ अनटेम्पररी बेस पर यहाँ पर जो है उम्मीदवारों को रखा जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने बड़े गलत कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण उम्मीदवारों को काफ़ी अपनी भर्तियों के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है और संघर्ष करना पड़ रहा है। तो लगभग दोस्तों 10,200 यहाँ पर जो है 97 पोस्ट इसके अंदर खाली है, पर विभाग द्वारा इन भर्तियों की वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। इधर उधर से यहाँ पर जो है आदमियों को स्वास्थ्य विभाग के अंदर रखा जा रहा है और उनको यहाँ पर कार्य कराए जा रहे हैं। तो जिसको लेकर अब ऐसा नहीं होगा, सरकार को जल्द से ही 10,000 पोस्टों की वैकेंसी आउट करनी पड़ेगी और जितने भी उम्मीदवार वैकेंसियों का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए यह सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जितने भी उम्मीदवार हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी तक इस नोटिफिकेशन का लिंक पहुंच जाएगा, और जो नए यूज़र इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां पर इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या है, कहाँ की वैकेंसी है, स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं इन खाली पदों पर वैकेंसी निकाल रहा है, पद खाली होने के बाद भी यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल के आदेश देने के बाद भी यहाँ पर जो है विभाग इन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन वैकेंसियों को क्यों नहीं निकाला जा रहा है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से देने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जितने भी नए यूज़र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप सभी को सीधा सीधा बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र के बिना यहाँ पर जो है फार्मिस्ट के दवाओं का वितरण का आरोप लगाया गया है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि फार्मिस्ट की जब कमी है तो स्वास्थ्य केंद्र के अंदर यहाँ पर किस अधिकार से, किस एक्सपीरियंस से दवाओं की वितरण को यहाँ पर जो है आयोग ने मंजूरी दी है। प्रदेश में दोस्तों 10,000 से ज़्यादा फार्मिस्टों की यहाँ पर जो है फार्मिस्ट कर्मियों की ज़रूरत है, और स्वास्थ्य विभाग जो है भर्तियाँ नहीं निकाल रही है, खाली पदों पर वैकेंसियाँ नहीं निकाल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा फार्मिस्ट की कमी है, स्वास्थ्य विभाग नहीं भर रही है खाली पद। यानी कि दोस्तों, खाली पद 10,000 से ज़्यादा होने के बाद भी आखिर यहाँ पर जो है सरकारी केंद्रों पर दवा वितरण कैसे किया जा रहा है अगर वहाँ पर फार्मिस्ट उम्मीदवार नहीं है। तो दोस्तों, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बनता है। तो इन्हीं को लेकर यहाँ पर जो है आरोप लगाया गया है और इसके लिए जल्द से ही एक्शन लिया जा रहा है। पर दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जल्द ही इन वैकेंसियों को पूरा किया जाएगा। तो पूरा मामला क्या है उसके बारे में आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल में भोपाल के अंदर इस न्यूज़ की पब्लिकेशन की गई है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के फार्मिस्ट की भारी कमी बनी हुई है। यानी कि दोस्तों, अब यहाँ पर फार्मिस्ट उम्मीदवारों की काफ़ी कमी है, जिसमें कि राज्य में 10,267 यहाँ पर जो है उप स्वास्थ्य केंद्रों पर अभी तक फार्मिस्ट की भर्ती नहीं हो सकी है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर 10,267 पोस्ट जो है वो फार्मिस्ट के खाली हैं। पर दोस्तों, स्वास्थ्य केंद्र द्वारा फार्मिस्टों की कमियों को ना पूरा कर आखिर वो कैसे यहाँ पर जो है केंद्रों पर, दोस्तों साथ ही यहाँ पर जो है केंद्रों पर दवाओं का वितरण वो कैसे कर रही है बिना फार्मिस्ट के ना होने पर, इसी को लेकर यहाँ पर ये जो है आर्टिकल जो है दिए गए हैं और साथ ही लेटर जो है मंत्रिमंडल तक भी पहुँचे हैं, जिसमें दोस्तों बताया जा रहा है कि जिसके यहाँ पर रहते हैं जिससे इस केंद्र के दवाओं की वितरण का संविधान यहाँ पर जो है गैर फार्मिस्ट या कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो विभाग द्वारा परमानेंट या संविदा पर फार्मिस्ट होना चाहिए वो ना होकर गैर फार्मिस्ट कर्मचारियों से इन दवाओं का वितरण कराया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो बताई जा रही है कि यहाँ पर जो है फार्मिस्ट एक्ट के उपलब्ध यहाँ पर जो है अस्पष्ट यहाँ पर जो है
वो यहाँ पर जो है उल्लेखता है, जिसमें फार्मिस्ट के स्वास्थ्य केंद्र की मांग है कि जल्द से जल्द जो है उप स्वास्थ्य केंद्र की फार्मिस्टों की पदों की यहाँ पर भर्ती को जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए और उनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों के लिए योग्य माना जाए। इससे स्वास्थ्य यहाँ पर जो है इससे स्वास्थ्य तंत्र मजबूत भी होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर आप देखते हैं कि जो बताया गया है कि जो फार्मिस्ट है जिस तरह से गैर कानूनी यहाँ पर जो है यानी कि यहाँ पर जो उम्मीदवार फार्मिस्ट के नहीं हैं उनसे दवाएं वितरण कराई जा रही है इसका आरोप लगाया है। और यहाँ पर उन्होंने ये एक्ट भी बताया है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर फार्मिस्ट एक्ट के यहाँ पर जो है अस्पष्ट यहाँ पर जो है उल्लेख किया जा रहा है, यानी कि चिकित्सा विभाग इन सभी को उम्मीदवारों के भविष्य के साथ और जितनी भी स्वास्थ्य में उम्मीदवारों द्वारा जो भी जो वितरण किया जा रहा है वो यहाँ पर गैर कानूनी और गलत तरीके से विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसको लेकर कहा गया है कि जल्द से जल्द फार्मिस्ट की भर्ती को चालू किया जाए और उन उम्मीदवारों को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाए जिसके कारण जितनी भी स्वास्थ्य में जो है अपनी मजबूती बनी रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों जो बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को आरोप है कि फार्मिस्ट कहा जाने वाले यहाँ पर जो है जिसमें कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि जो यहाँ पर जो आरोप लगाया जा रहा है इनसे कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है वो भी यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है काउंसलिंग में अभिनेता को आरोप लगाया गया है कि फार्मिस्ट का कहना है कि उप यहाँ पर फार्मिस्ट काउंसलिंग के अनुसार चमनिर्भर फार्मिस्ट की पंजीकरण यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन के कर्मों में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यानी कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया की जा रही है उसके अंदर भी रूल रेगुलेशन से ना किया जा रहा है उसके अंदर फार्मा यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साथ ही फार्मिस्ट का आरोप है कि उनका काम अटका दिया गया है जिससे यहाँ पर हजारों यहाँ पर फार्मिस्ट जो है परेशान है। राज्य नियम प्रदेश स्टाफ यहाँ पर जो है स्टेफ यहाँ पर फार्मिस्ट एसोसिएटेड के माफ़ करने के लिए उप केंद्र पर दोस्तों यहाँ पर जो है फार्मिस्टों की कमी का कारण यहाँ पर जो है दवाओं की वितरण की जा रही है और साथ ही यहाँ पर जो है और साथ में गैर फार्मिस्टों द्वारा किए जा रहे हैं जो जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे में नियमित खुले यहाँ पर जो है उल्लंघन किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों फार्मिट के अगर ना यहाँ पर नियुक्त कर किया जा रहा है और उन उम्मीदवारों के भी साथ जो वितरण कर रहे हैं उनके साथ भी गलत किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जब तक उनके पास फास्ट यहाँ पर जो है फार्मिस्ट की डिग्री नहीं है फार्मा की डिग्री नहीं है वो किस तरह से स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर यहाँ पर जो है दवाई की वितरण कर सकते हैं ये एक सबसे बड़ी गलत बात है। पर दोस्तों अब जो है रिपोर्ट का आ रही है मंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि अब जितनी भी पद खाली हैं इस महीने तक जो है प्रदेश के अंदर 10,267 पदों पर जो है नियमित रूप से यहाँ पर जो है पदों की भर्तियाँ निकाली जाए और जितने भी फार्मिस्ट उम्मीदवार हैं उन सभी फार्मिस्ट उम्मीदवारों को अपने जिला वाइज अपने स्टेट अपने यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज उन सभी को वहाँ पर जो है स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया जाए। दोस्तों तो अब अगले महीने आप सभी के सामने फार्मिस्ट की अच्छी खासी पोस्टों की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगी। तो अभी तक के लिए दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रही थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी शेयर किया गया। इसके रिगार्डिंग हमारे पास और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आप सभी को जरूर शेयर किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।